गुजरात चुनाव के सबसे बड़े मंच इंडिया टीवी चुनाव मंच पर आपका स्वागत है। और इस वक्त हमारे साथ शंकर सिंह वाघेला जी हैं, गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री और गुजरात की राजनीति के सबसे वरिष्ठ नेता इन्हें कह सकते हैं। बापू, सबसे पहले आपसे सवाल यही है, आजकल आप नरेंद्र मोदी के दोस्त हैं या दुश्मन? हम परमानेंट दोस्त हैं, कल थे, आज है और कल भी रहेंगे। दोस्ती कोई नहीं तोड़ेगा, दोस्ती नहीं टूटेगी। लेकिन आजकल जो आप बयान दे रहे हैं वो कुछ ऐसे दे रहे हैं जो दुश्मन ही दे सकता है। वो दिल टूटता है उसका वो रिएक्शन है। दिल टूटता है रिएक्शन? दिल टूटता है। दिल टूटा है आपका? दिल रोता है। दिल टूटा है, ये वेदना होती है। और तोड़ने वाले कौन? आपको आपको मालूम है मैं कहां कहने की जरूरत है, कहां केंद्रित है। आपके बयान से ही शुरुआत करते हैं। आपने बयान दिया कि राम मंदिर का इस्तेमाल बीजेपी मार्केटिंग के लिए कर रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता रामलला टाट में रहें या मंदिर में रहें। राम मंदिर तो आस्था का विषय है ना, किसको फर्क नहीं पड़ता? देखिए, जो इस देश में अगर बीजेपी को सबसे ज्यादा कोई जानता है तो इसका नाम है शंकर सिंह वाघेला। धर्म का उपयोग क्या कर रहा है क्या, वो तो निजी मामला है। मंदिर बनाए न बनाए डजंट मेक एनी डिफरेंस। मंदिर बना तो मेरे पेट में जो भूख है वो पूरी होगी, मेरा लड़का लड़की बेकार है नौकरी मिलेगी, महंगाई है कम होगी, बनाइए ना मंदिर, कौन ना बोलता है। लेकिन मंदिर बनाना वो ही मकसद है क्या, और इसके मार्केटिंग भगवान राम का होता है किसी और का होता है? किसको बेवकूफ बनाते एक लोग, किसका मार्केटिंग होता है? भगवान राम का कहीं फोटो देखा आपने, जहां खात मुहूर्त हुआ है भगवान राम कहीं देखे? रामलला कहां टाट में पड़े हैं ऐसा? इनको आप नहीं जानते, मैं जानता हूं। धर्म का कितना उपयोग नहीं दुरुपयोग करना, लोगों को कैसे बेवकूफ बनाना, धर्मांध बनाना, ही धंधा है इनका, जो मानवता मर जाती है। जितने एग्रेसिव होकर आरोप लगा रहे हैं, आप बीजेपी के अध्यक्ष थे जब राम यात्रा निकली, आप ईंट घर घर ले जाने वालों में से थे, तो क्या तब आप मार्केटिंग कर रहे थे या अब आप आरोप लगा रहे हैं? आडवाणी जी ऑल इंडिया के अध्यक्ष थे, मैं गुजरात का अध्यक्ष था, लोकसभा की इनर लॉबी में मेरे पास आए, बोला कि किसी को बात मत करना, मैं एक अयोध्या की राम रथ यात्रा को प्लानिंग सोच रहा हूं, अगर सोमनाथ से यात्रा निकलती है तो गैदरिंग कैसा रहेगा? मैंने कहा जो भी आपकी इच्छा है, 2000, 5000, 10000 जो भी है, ठीक है, किसी को बात मत करना। मैंने वाजपेयी जी से मेरे इतने अच्छे रिलेशन रहे कि मैं नहीं रहा गया। मैंने इनसे पूछा कि अटल जी अडवाणी जी ऐसा सोच रहे, बोला वो बाघ पर सवारी कर रहे, लेकिन वहां तक बात पूरी होती है। बहुत अच्छा टेक ऑफ यहां से हमने दिया अयोध्या जाने के लिए, काफी अच्छा दिया। वो एक पॉलिटिकल यात्रा थी, राम वहां मंदिर बने न बने डजंट मेक एनी डिफरेंस टू द बीजेपी पीपल। टोटल पॉलिटिकल। तो आज अगर पॉलिटिक्स में राम मंदिर का इस्तेमाल होता फिर आपको आपत्ति क्या है, क्योंकि उसका फायदा तो आपको भी मिला, मुख्यमंत्री आप भी बने, उसी लहर पे सवार होकर बने। नहीं बने। अडवाणी ने राम रथ यात्रा निकाली तो बीजेपी के 299 हो गए, बीजेपी को फायदा हुआ, लेकिन फायदा हुआ ठीक है, मंदिर के नाम का दुरुपयोग भगवान राम का या भारत माता का दुरुपयोग अपनी पार्टी के वोट के लिए नहीं करना चाहिए। ऐसी राजनीति बिलो स्टैंडर्ड नहीं होनी चाहिए। जो 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 बात आपकी होती है क्लियर कट के भी हाँ हम मानते हैं। अब मैं हिंदू हूं, मेरा नाम शंकर है, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन मैं मुसलमानों का दुश्मन नहीं हूं, मैं क्रिश्चियनों का दुश्मन नहीं हूं। तो नाम आपकी पहचान तो है, हाँ, क्या फर्क मौजूद है? क्या अगर उसको कोई आगे रखता है अपनी हिंदुत्व की पहचान को आगे रखता है तो वो गलत कैसे? कौन ना बोलता है गलत नहीं है, लेकिन इसका मिसयूज अपने लिए वोट के लिए तब गलत है। जब गलत तभी है कि जब उसका उपयोग खुद की मार्केटिंग के लिए हो, वोट की राजनीति में हो। राहुल गांधी को आप कैसे देखते हैं? राहुल गांधी आपके आजकल नवीनतम मित्र हैं? नहीं नहीं, मेरे मित्र कोई नवीनतम पुराने नए नहीं होते हैं। आई हैव गॉट गुड रिलेशन विथ हिम और ही इज अ मेंटली फिजिकली फिट यंग गाय। मैं इनको पॉलिटिशियन नहीं कहूंगा, ही इज अ स्टेट्समैन। इस हिसाब से मैं भारत जोड़ो यात्रा में इनकी बॉडी लैंग्वेज देखता हूं, शायद पहले इतना ह्यूमन टच न हो इनका, लेकिन आजकल जो सबको गले लगाना, मिलना, बात सुनना, समझना, एक नया अवतार में राहुल गांधी में देख रहा हूं आने वाले दिनों में। और कभी कभी बायस नहीं होगा, जस्ट फॉर मोर इंफॉर्मेशन मैंने कहा कि किसी के बारे में आपको ऐसा गुस्सा होता है कि फट 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 LMG लगा कर नहीं, यानी कि जो इनका स्टॉन्च विरोध करता है माता पुत्र का,
इनके बारे में मैंने कहा कभी आपको गुस्सा होता है तो नहीं होता है, विच काइंड ऑफ पॉलिटिशियन ही इज। तो राहुल गांधी जब भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, गुजरात में चुनाव हो रहा है, आप इतने पुराने राजनेता हैं, ये कोई मिसमैच नजर नहीं आता? एक तरफ आप कहते हो कि राहुल गांधी स्टेट्समैन है, एक तरफ आप कहते हो कि वो इवेंट है भारत जोड़ो यात्रा, उसका चुनावी फायदा नहीं होगा। भारत जोड़ो यात्रा इवेंट स्वाभाविक है, ये भी इवेंट है, इंडिया टीवी का इवेंट ही है ना। तो इवेंट जो है ना वो अलग बात है, वो तो प्रोपेगेंडा के हिसाब से लोगों के दिलो दिमाग में डालने के लिए एक मार्केटिंग होता है। लेकिन भारत जोड़ो की प्रायोरिटी तब दी कि जब भारत तोड़ने की साजिश हो रही है, और वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिटिकल पार्टी के माध्यम से हो रही है, तो कोई भी आदमी तो वो रोएगा, क्या करेगा, व्हाट इज दिस, ये देश को कहां ले जाना चाहते हैं आप? रोएगा तो जनता के बीच जाएगा, जहां वोट हो रही है वहां बदलाव होगा। नॉट नेसेसरी। देखिए भारत जोड़ना वो हिमाचल गुजरात की चुनाव की राजनीति से ऊपर है, और लेट मी अप्रिशिएट कि ही डिड दिस वर्क, फिर भी वहां से समय निकालकर गुजरात में आए। चुनाव तो आएंगे जाएंगे, देश परमानेंट है, पार्टियां आएगी जाएगी, देश परमानेंट है। आप और हम, बात तो मोदी कहते हैं, जो भी वाजपेयी जी ने भी यही कहा था, वही तो हम कहते हैं। तो फिर विरोध क्या? विरोध जो है सिस्टम का होता है, विरोध जो होता है, आप जैसे एक राजनीति का उपयोग धर्म का हम नहीं करते, हम भारत माता का उपयोग अपनी पार्टी के लिए नहीं करते, खुद की माता का उपयोग मार्केटिंग के लिए नहीं करते। अगर कोई बेटा अपनी माँ के पास आशीर्वाद लेने के लिए जा रहा है तो क्या गलत है उसमें? तो इसमें मीडिया कहां से आता है बीच में, कहां से कैमरा आ गया बीच में? तो चुनाव में नेता उतरता है तो माँ का आशीर्वाद लेकर उतरता है, नेता फोटो खिंचवाता है। चुनाव में है ना, बिना चुनाव माँ नहीं, माँ तो कल भी थी, पता था सीएम बने इसके पहले इनकी माताजी जिंदी थी या नहीं, पता था आपको? आपको नहीं, देश को दुनिया को पता था, इनका कोई परिवार है किसी को पता था? मार्केटिंग जो है ना, इसके में देखिए, आप कॉलगेट उपयोग करते होंगे, या बाबा रामदेव की जो दंत क्रांति, या हमारी बहनें जो फेयर एंड लवली, किसका किसकी फेयर हुई स्किन बताइए ना, किसके दांत सफेद हुए? तो राजनीति में संदेश फिर दिया कैसे जाए? आप कह रहे हो कि बीजेपी जो कर रही वो सब मार्केटिंग है, जो विपक्षी पार्टियां कर रही हैं वो आवाज उठा रहे हैं, तो फिर चुनाव तय कैसे होगा? चुनाव चुनाव को वोटर को तय करना है, जिनका अपना भविष्य जुड़ा है इनको तय करना है, वोटर तय करेगा। 77 का एग्जाम्पल, मैं इमरजेंसी में, हम जेल में थे, इंदिरा जी देश की प्रधानमंत्री थी, वेरी पावरफुल प्राइम मिनिस्टर, पूरे साधन जिसको कहते हैं, मीडिया, पैसे, सब कुछ, ऑपोजिशन में पास कुछ नहीं था, तो हिंदुस्तान का वोटर ने कैसे इंदिरा गांधी को 77 में हरा दिया? खुद हारी, अपने सुपुत्र संजय गांधी भी हारे, ऑर्डिनरी हमारे एक थे वहां के साइकिल पर सवार होकर अमेठी से, वो जीते। इसलिए ये जो हिंदुस्तान की जनता को आप अंडर एस्टिमेट मत करिए, उसका दिमाग टेढ़ा हो जाएगा, और जब उसका अंदर का अंदर से निकलेगी आवाज, उसका रूह बोलेगा, तब सबको, नॉट बीजेपी, किसी को भी मालूम पड़ेगा। जो आपका दर्द हम महसूस कर पा रहे हैं, क्या माना जाए बापू आज की राजनीति में अपना रिलेवेंस तलाश कर रहे हैं? क्योंकि जो आपका दर्द है वो पिछले चुनाव में तो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, 2017 में जब आप कांग्रेस छोड़ के गए तो उनका बेस्ट परफॉर्मेंस 77 था, यहां 22 साल से लगातार बीजेपी की सत्ता है, तो जो आप कह रहे हैं वो जनता के बीच रिफ्लेक्ट कर पाने में आप या फिर कांग्रेस नाकाम क्यों है? हो सकता है, देखिए जब आदमी को गलत प्रोपेगेंडा में कोई आ जाता है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया अभी कोलगेट का, या जो एक कोलगेट का मार्केटिंग के अलावा क्या है, तो बीजेपी का जो मार्केटिंग हुआ, और वो हम राजनीति में आए लेने के लिए नहीं आए, देने के लिए आए। हम आरएसएस के माध्यम से जनसंघ में आए, जनसंघ में लिखा था कि आपको एमपी एमएलए बनना नहीं है, और सीधे गए जेल में, जेल में से जब बाहर निकले तब कहा कि आपको कैंडिडेचर करना है लोकसभा में, और हमको कोई किसी की मेहरबानी से हम नहीं है, हमने बीजेपी को, आज की बीजेपी जो देश में खड़ी है ना, वो शंकर सिंह वाघेला के 20 साल की कंधे टूट गए इसके ऊपर खड़ी है वो, आपके कंधे पर, आप कह रहे जिस बीजेपी ने खड़ा किया गया, आप अध्यक्ष थे उस दौरान जब बीजेपी का उदय हुआ, और उन्हीं नीतियों पे चल रही है जिस वक्त आप उनके साथ थे, क्या बदला? 2002 के बाद हिंदुस्तान की राजनीति, ऑन रिकॉर्ड आई एम सेइंग, क्रूअल, क्रिमिनल, कॉन्स्पिरेटर, करप्ट, इनके लोगों में हाथ में आई। कैसे? कैसे क्या पता है आपको? राजनीति देखिए, आरएसएस को मैं भी जानता हूं, आप भी जानते होंगे, रजत शर्मा भी जानते हैं, लेकिन इनके इनके कहने से राज सत्ता हमारा साधन है, साध्य नहीं है, ये हमको सिखाया गया। मैं नहीं तू ही, पहले मैं नहीं तू ही, मैं 2002 से देख रहा हूं कि मैं ही सत्ता ही हमारा साध्य है, कांग्रेस तोड़ो, मतलब ममता की पार्टी तोड़ो, शिवसेना तोड़ो, सत्ता रहनी चाहिए,
कहां से उसूल है? 2002 कौन सा ब्रेकिंग पॉइंट क्यों है? आप जो आरोप लगा रहे हैं वो एक इशारा कर रहे हैं, क्यों ऐसा सोच रहे हैं कि आप वो ब्रेकिंग पॉइंट है? और ये राजनीतिक इस्तेमाल, केशुभाई पटेल की सरकार गुजरात में थी, मैंने निकाले थे डंके की चोट पर, डिफरेंसेस के हिसाब से हमने कहा कि मैं आपको डिजॉइन करता हूं। बाद में किसने निकाले? केशुभाई के खिलाफ किसने षड्यंत्र किया? कितने लोग गुजरात के एमपी बीजेपी के थे, इनके घर पर टेलीग्राम करते थे एंटी केशुभाई, अर्थ के केशुभाई पटेल लाए थे क्या? धरतीकंप तो हुआ कच्छ में, वो केशुभाई धरतीकंप को मैनेज नहीं करते क्या? केशुभाई को कंट्रोल करना था धरतीकंप? किसने किया साजिश? देखिए ये कई बातें ऐसी होती है ना, तो भ्रम में रहना होता है। ये ये ये, ये साजिश जो जो जिसको रिजल्ट मिलता है इसकी साजिश होती है ना। तो इस बात का अफसोस है आपको? खजूरिया और हजूरिया वाला कांड जब हुआ, जब आप एमपी पहुंचे, क्या आपको लगता है वो आपकी बड़ी भूल थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए शंकर सिंह वाघेला बिल्कुल लंके की चोट पर करता है खुलेआम। केशुभाई जब अमेरिका जा रहे थे, मैंने कहा केशुभाई आप अमेरिका से वापस आएंगे तो मुख्यमंत्री नहीं होंगे, ये मैंने कहा था इनको। और हजूरिया खजूरिया ऑफिशियली किया हुआ है, कोई किसी से मतलब कांग्रेस से मिलकर दोस्ती करके या कांग्रेस सपोर्ट करके ऐसा कुछ नहीं था। और एमएलए से कहने से हमने किया, और कुर्सी एक होती है सबको पता है, लेकिन वो कुर्सी पब्लिक के लिए होती है, किसी के बैठने के लिए नहीं होती है, किसी के मार्केटिंग के लिए नहीं होती है, किसी के वाह वाह करने के लिए नहीं होती, किसी के एक रुमाल निकालने के लिए नहीं होती। तो लोग तो ये भी कहते हैं आपने अपनी पार्टी को विलय कर दिया, गायब कर दिया पुत्र मोह में। देखिए पुत्र मोह कहां आया, आपको बेटे को कांग्रेस से टिकट मिली है, आप कांग्रेस के लिए प्रचार कर रहे हैं, वो कांग्रेस जो 2017 में आप छोड़ चुके, आपने पार्टी बनाई, चुनाव में लड़े, लेकिन अब जब बेटे को टिकट मिली तो आप कांग्रेस के साथ हैं। मैं उस समय भी 2017 तक कांग्रेस में रहा, और मैंने पब्लिकली अपने आप कांग्रेस तो डिजोन किया, मैं कांग्रेस में नहीं हूं। कांग्रेस का बीजेपी का हम दुश्मन नहीं है, बीजेपी भी हम जानते हैं, कांग्रेस भी हम जानते हैं। गुजरात की पब्लिक को आज मैं कहता हूं कि जिस पार्टी को मैं जानता हूं, इस बीजेपी जो पार्टी विथ अ डिफरेंस, वो नहीं है पार्टी। इतनी करप्ट भ्रष्ट मेघवारी का भाषण सुना है आपने? आज के प्रधानमंत्री का भाषण पहले सुना था 14 से पहले? क्या भाषण थे? गैस का बाटला ये मिलता था, मेघवारी ये, आज क्या है? क्यों ये जो फर्क है ना वाजपेयी जी, अडवाणी जी और इनमें जो फर्क, ये फर्क है, अपने मुंह में कोई शब्द रखता है ना, ऐसे लफ्ज नहीं निकालना चाहिए, कल जाकर आपके मुंह में रखा जाए तो आपको नीचे देखना पड़े। और इतने दुनिया भर के लफ्ज में रख सकता हूं आज के बीजेपी के लीडर्स के ऊपर, तो बिलो स्टैंडर्ड लीडरशिप है, दे डिजन डिजर्व द ओनली द लीडरशिप। कैसे लेवल के लोग हैं? इस चुनाव में एक नया किरदार आया है आम आदमी पार्टी, उनका भविष्य आप क्या देखते हैं, खासकर तब जब गुजरात बाइपोलर रहा है, आपने अलग पार्टी बना के देखी, आप इतने दिग्गज होने के बावजूद पार्टी स्थापित नहीं कर पाए, तो आम आदमी पार्टी कहां? देखिए ये पार्टी को आप कितना जानते हैं पता नहीं, ये जो बीजेपी की आरएसएस की मैं कॉन्स्पिरेसी कहूंगा, शीला दीक्षित जी का 15 साल का दिल्ली का कांग्रेस का शासन, उसको डिजोन करने के लिए वो बाबा टोपी वाला कौन सा था, वो अन्ना 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 वैसे ही टाइम पास वाला आदमी है वो, बाबा रामदेव, हमारी किरण बेदी, वीके जनरल मरोत थे, जनरल थे हमारे वीके, और ये भी थे, केजरीवाल भी उसमें थे। आरएसएस ने बीजेपी की ऑफिस में बीजेपी के लीडरों के साथ मिलकर साजिश की और उसमें आम आदमी पार्टी आई। अच्छा लगा सत्ता का स्वाद, तो अब बीजेपी भी आप कह रहे हो आम आदमी पार्टी आरएसएस ब्रीड है? सवाल ही पैदा नहीं होता। आज के भी इनके पिताजी जेल में थे क्या इमरजेंसी में? वो आरएसएस के है या नहीं है पूछिए इनको, आई नो वेरी वेल। जनता के मन में आ रहा होगा, आप कह रहे हो कि केजरीवाल या आम आदमी पार्टी आरएसएस ब्रीड के हैं, आपका तो जीवन और राजनीति आरएसएस से शुरू हुई है, नहीं होता तो वो आरएसएस और ये आरएसएस अलग कैसे? बहुत फर्क है। कैसे? वो आरएसएस साधन, सत्ता को साधन नहीं, साध्य नहीं मानते थे, आज का आरएसएस सत्ता को साध्य मानता है। आज के आरएसएस, इन्होंने जो प्रचारक राजनीति में छोड़े, इनके साथ मिली भगत वाले आरएसएस हो गए, आज के आरएसएस 5 स्टार कल्चर वाले हो गए, आज के आरएसएस 5 स्टार मतलब फर्स्ट क्लास एयर में ट्रैवल करने वाले हो गए, आज के आरएसएस सिक्योरिटी वाले हो गए। मोहन भागवत जी जो देश की सुरक्षा करने वाले हैं, इनको क्या जरूरत है सुरक्षा की? पब्लिक के पैसे से क्यों खर्चा करवाते वो? ही आरएसएस के चीफ है ना आप, क्यों सिक्योरिटी लिया आपने? किसकी डर है आपका? डर है तो सरकार आपकी, सरकार आपके हैं, असेसमेंट हुआ है, सिक्योरिटी दी गई है, क्या हुआ? अच्छा एक तो एक आखिरी सवाल आपसे, बंद बनाइए हम भाई तो चिंता मत करिएगा, एक आखिरी सवाल आपसे कह लेते हैं। आप कह रहे हो बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, साथ ही आप जोड़ देते हो कि वो विपक्ष को फायदा नहीं हो रहा है,
तो इन गुजरात के चुनाव के नतीजे आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, चुनाव के नतीजे टेम्पररी होते हैं, एक माहौल बनता है, माहौल बनता है। इसमें कोई भी आदमी होगा, नेता का भाषण सुनेगा, फिर वो अपने आप को मिलाएगा, मेरा पेट खाली है, ये नेता मेरे लिए भगवान है, वो कहते हैं मैं रोटी दूंगा, मेरा गैस का बोतल सस्ता करेंगे, मेरे बच्चे को नौकरी देंगे, मेरी माताजी बीमार है तो हॉस्पिटल में अच्छी सेवा, इनका भाषण, ये भाषण सुनकर करता है। और मैं 2002 से जितने भाषण हुए, इसमें एक भी बात 22 तक मेरे को बताइएगा, जो भाषण किए सब बिना भरोसा वाले भाषण थे, और सब में हिंदू मुसलमान फ्रॉम गोधरा टू आज तक, आज भी इनको राम मंदिर आ जाता है, आज भी इनको मंदिर आ जाता है, आज भी यहाँ करके क्यों, वाई वाई आर चीटिंग योर सेल्फ एंड द पीपल, लोगों को क्यों धोखाधड़ी करते हैं? मैं हिंदू हूं तो किसी की सर्टिफिकेट जरूरत नहीं है मेरे को, लोगों को क्यों आप हिंदू बनाकर क्या मिला हिंदू को, अपने मुसलमान मारे, हिंदू मारे, क्या हुआ, लोग मरे, मानवता मरी, ह्यूमनिज्म। आपकी भविष्यवाणी क्या है इन चुनाव को लेकर, क्या सत्ता में बीजेपी काबिज रहेगी या बदलाव देख रहे हैं? बदलाव मैं देख रहा हूं, अगर इनको भरोसा नहीं होता तो भरोसा का स्लोगन, बीजेपी स्लोगन वाली पार्टी है और इसके लिए अच्छे लोग हायर करते हैं, भरोसा जो भरोसा तो पब्लिक को भरोसा नहीं है, भरोसा मेरे को देना है आपको, मैं कह दूं भरोसा आपको तय करना है कि मेरा भरोसा है या नहीं है, लोगों को भरोसा नहीं है, भरोसा वाली बात है। तो शंकर सिंह वाघेला कह रहे हैं कि बीजेपी पर लोगों को भरोसा नहीं है और अब की बार बदलाव दिखाई दे रहा है। इंडिया टीवी का चुनाव मंच जारी है, बने रहिए हमारे साथ। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।